गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो एज वी नो दैट कि हमारे पास जो मीडियम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ से जो वेव्स हैं वो क्या कर सकती हैं, ट्रांसफ़र हो सकती हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, एक मैकेनिकल वेव होती हैं जो क्या करती हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। लेकिन इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, परपेंडिकुलर वेव कंबाइंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज वाइब्रेट और एक्सेलरेट थ्रू एम्प्टी एंड कैन ट्रैवल थ्रू मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होंगी, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करवाएंगे, वाइब्रेट करवाएंगे, या फिर हम उसको क्या कराते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज होंगे, ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, बंडल ऑफ कलर, है ना। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया, बंडल ऑफ कलर या बंडल ऑफ बैंड्स, अलग अलग कलर के जो बैंड बन रहे हो उसको जब हम कलेक्टिवली एक साथ रख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे क्या है, कुछ वेव्स हैं, वो वेव्स कौन कौन सी हैं, जैसे गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गए, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी हमारे पास क्या हैं, वेव्स हैं। इनको हमने कलेक्टिवली क्या किया, एक बंडल बना के रख दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कम होगी। तो यहाँ पर हमने इसको इसी तरीके से अरेंज किया है, अप टू डाउन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायग्राम। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास वेव्स हैं उनको हमने क्या किया है, अरेंज किया है। तो शॉर्ट वेवलेंथ को हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है, लो फ्रीक्वेंसी को हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप क्या होता है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, देखो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल एट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड से ही ये भी क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। स्पीड ऑफ वेव फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू में वेव। तो बाकी के टॉपिक हम कल करेंगे, अभी आप क्या करोगे, इसको यहाँ तक अच्छे तरीके से बुक में से क्या करोगे, इसको रीड कर लोगे।